बॉलीवुड ने 2018 की शुरुआत से अब तक अलग अलग वर्ग में काफी सफल फिल्में दी हैं, जिसमें पद्मावत से लेकर संजू तक सभी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। और वो इसलिए नहीं कि स्टार कास्ट मजबूत थी, बल्कि इन सभी फिल्मों की स्टोरी लाइन और प्रोडक्शन लेवल भी काफी हटके था। दिवाली का वक्त करीब आ रहा है और हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड आपके लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक भरपूर एंटरटेनमेंट से लेस बड़ी फिल्में तोहफे के तौर पर ला रहा है। इन आने वाले चार महीनों में आपको अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, रजनीकांत और अक्षय कुमार जैसे महान सितारे बड़े पर्दे पर एंटरटेनमेंट का हाई डोज देने के लिए तैयार हैं। जब इन महान हस्तियों के नाम लिए जा ही चुके हैं, तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं आने वाले चार महीने में रिलीज होने वाली कुछ बड़ी फिल्मों के नाम। 2.0। इस साल की सबसे बड़ी और महंगी फिल्मों की बात करें तो रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 से किसी का कोई मुकाबला नहीं। सूत्रों की माने तो फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ का है। अक्षय कुमार इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। लोग इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट हाल ही में 29 नवंबर को लॉक की गई है। पलटन। JP दत्ता निर्देशित पलटन सिनो इंडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। फिल्म की स्टार कास्ट दत्ता की बाकी फिल्मों की तरह बड़ी है, जिसमें जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल और सोनू सूद मुख्य भूमिका में है। फिल्म 7 सितंबर को बड़े पर्दे पर उतरेगी। मनमर्जियां। अभिषेक बच्चन, विकी कौशल और तापसी पन्नू से सजी यह फिल्म अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित की गई है। फिल्म में काफी वक्त बाद अभिषेक बच्चन बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म 14 सितंबर 2018 को रिलीज होगी। आने वाली कई फिल्मों में मंटो भी बड़ी फिल्मों की होड़ में है। सादत हसन मंटो की लाइफ से प्रेरित इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशक और लेखिका नंदिता दास है। इस फिल्म की रिलीज डेट 21 सितंबर को सेट हुई है। रांझना और तनु वेड्समनु जैसी सफल फिल्में देने वाले आनंद एल राय इस बार शाहरुख खान को लेकर जीरो ला रहे हैं। फिल्म के लिए एक्साइटमेंट अभी से बढ़ी हुई है, क्योंकि इस पे किंग खान डॉग के रोल में नजर आएंगे। फिल्म में शाहरुख खान के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी नजर आएंगी। स्वर्गीय श्रीदेवी का गेस्ट अपीयरेंस भी देखने को मिलेगा। सूत्रों की माने तो मूवी 21 दिसंबर को रिलीज होगी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। यशराज फिल्म्स के बैनर तले आने वाली यह फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। अमिताभ बच्चन और आमिर खान पहली बार किसी फिल्म में एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म्स के कुछ सीन पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से इंस्पायर्ड हैं। फिल्म का प्लॉट 19वीं सदी के वक्त को दर्शाएगा, जो ठग्स के गैंग के इर्द गिर्द है, जो अंग्रेजों से लोहा लेता है। फिल्म की रिलीज डेट 7 नवंबर 2018 बताई गई है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 तक का प्रधानमंत्री कार्यकाल पर हुई बातों पर यह फिल्म रोशनी डालेगी। फिल्म में मनमोहन सिंह का रोल अनुपम खेर निभा रहे हैं। फिल्म बड़े पर्दे पर 21 दिसंबर 2018 को आएगी। अलाउद्दीन खिलजी बनने के बाद रणवीर सिंह अब रोहित शेट्टी के दबंग अफसर सिम्बा के रोल में दिखेंगे। फिल्म के लिए अभी से लोगों के बीच एक्साइटमेंट है। फिल्म 2015 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर टेम्पर का रीमेक है। फिल्म में रणवीर सिंह के ऑपोजिट सारा अली खान होंगी। इस फिल्म की रिलीज डेट के कयास तो कई लग रहे हैं, लेकिन जहां तक ये क्रिसमस के तोहफे के रूप में आएगी। ये सारी फिल्में एक तरफ तो इशारा दे रही हैं कि आने वाले महीने में अनलिमिटेड एक्सपीरियंस का बोनेंजा पैकेज तोड़कर आने वाला है, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे आपकी दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर हैपनिंग और एक्साइटिंग बना देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।